हेलो मैरीगोज़, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था अबाउट द हाइपोथेसिस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंसर्निंग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ओके, फर्स्ट देखते हैं नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी वॉन्ट टू कंपेयर मैथड ए विद द मैथड बी। कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं हम, जिसमें हम मेथड ए को कंपेयर करेंगे मेथड बी से, एंड वी प्रोसीड विद द अजम्पशन दैट बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड। और हमने ये अजम्पशन बना लिया कि जो दोनों मेथड हैं वो इक्वली गुड हैं। देन दिस अजम्पशन इज टर्म्ड एज अ नल हाइपोथेसिस, यानी कि तो ये हमारा हाइपोथेसिस कैसा हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों के लिए क्या सेम अजम्पशन बना ली कि ऐसा ही होगा, दोनों ही अच्छे हैं, ओके इक्वली गुड हैं। तो इसमें कोई भी हमने न्यू चीज फाइंड आउट नहीं करी है, ओके तो ये हमारा हो गया नल हाइपोथेसिस। ओके, एज अगेंस्ट दिस वी मे फील दैट मेथड ए इज बेटर देन द मेथड बी, देन वी कॉल इट एज एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर हम एक मेथड को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे मेथड से कि ए वाला मेथड जो है वो हमारा बेटर है एज कंपेयर टू द मेथड बी, देन हम इसे बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपो थेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस इज जनरली टर्म्ड एज एच जीरो, यानी कि जो नल होता है, नल को हम किससे जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस यानी एच, एंड अल्टरनेटिव को हम क्या कर रहे हैं, सिंबलाइज्ड एज अ एच ए। ओके, सपोज वी वॉन्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज इक्विवेलेंट टू हाइपो हिप्नोटाइज मीन, देन म्यू इज इक्वल टू जीरो सॉरी 100। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम हाइपोथेसिस कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज किया हमने कि जो पॉपुलेशन मीन है वो कितनी है, वो इक्विवेलेंट है किसके, हिप्नोटाइज मीन के। ओके, देन दैट्स वाई यहाँ पे म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा है, जीरो, ओके सॉरी 100। देन नल हाइपोथेसिस वुड बी पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द हाइपोथेसिस मीन। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, तो उसमें हमने अभी बात करी थी, उसमें हमने दोनों को क्या बोला, इक्वली ही हमने अजम्प कर लिया, अजम्पशन दे दिया कि दोनों ही मेथड गुड थे। तो इसी तरीके से यहाँ भी दोनों मेथड को क्या किया इन्होंने, इक्वल कर दिया। यानी कि जो हमारा एच जीरो यानी कि नल हाइपोथेसिस है, उसे हमने किससे, म्यू से रिप्रेजेंट किया है और मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 100 मान लिया है। ओके, द नल हाइपोथेसिस एच जीरो रिप्रेजेंट अ थ्योरी दैट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड आइदर बिकॉज इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू और बिकॉज इट इज़ टू बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर आर्ग्यूमेंट बट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। ओके, तो नल हाइपोथेसिस में इस तरीके से हमने एच जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्योरी कि हम बिलीव कर रहे हैं, इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू और बिकॉज इट इज़ टू बी यूज एज अ बेसिस फॉर द आर्ग्यूमेंट बट हैज़ नॉट बीन प्रूव, लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंसर्निंग टेस्टिंग में अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इन अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अ न्यू ड्रग, कोई न्यू ड्रग है, अगर हम उसकी क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, द नल हाइपोथेसिस माइट बी दैट द न्यू ड्रग इज नो बेटर ऑन एवरेज देन द करेंट ड्रग। तो हमने अगर हम नल हाइपोथेसिस में देखें तो हम ये मान लेते हैं कि जो न्यू ड्रग है वो काफ़ी मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, ऑन एवरेज वो हमारे करेंट ड्रग के कंपेयर में क्या है, अच्छा नहीं है, नॉट बेटर। ओके, वी वुड राइट एट जीरो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स ऑन एन एवरेज, यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो दोनों ड्रग जो क्लिनिकल ट्रायल के अंडरगो है और जो पहले से ही है प्रेजेंट है, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस होगी। ओके, इफ आवर सैम्पल रिजल्ट डू नॉट सपोर्ट दिस देन वी अज्यूम समथिंग एल्स इज ट्रू। अगर ये हमारा रिजल्ट जो है वो अजम्पशन को सपोर्ट नहीं करता है तो हम क्या बोलेंगे, वी अज्यूम दैट समथिंग एल्स इज ट्रू, समथिंग कुछ तो है जो सही है। द अल्टरनेटिव दैट वी ऑल विल एक्सेप्ट इज नोन एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच ए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी एच जीरो, यानी कि जो हमारा अल्टरनेटिव में होगा, हम ये मानेंगे कि जो हमने अभी क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग टेस्ट करा है वो हमारे जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी उनसे काफ़ी अच्छी नहीं है, उसके इक्वल
नहीं है, तो यहाँ पे होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इज सेट अप टू एस्टेब्लिश। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस माइट बी दैट द न्यू ड्रग हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट। तो अल्टरनेटिव में अगर हम बात करें तो एक क्लिनिकल ट्रायल है, हम उसमें मानते हैं कि जो न्यू ड्रग है वो ऑन एवरेज हमारे जो प्रीवियस ड्रग ऑलरेडी मार्केट में है उससे काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू दैट वन ऑफ द करेक्ट। वी वुड राइट एच ए द ट्रू ड्रग्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन एवरेज। अगर दोनों ड्रग का इफेक्ट ऑन एवरेज कैसा है, डिफरेंट है, तो उसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। ओके ओके, यहाँ पे एच नोट जो हमारा ये म्यू है यानी कि नल हाइपोथेसिस है, इसका फॉर्मूला लेस देन अगर हमारे किससे है एच जीरो से तो पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर देन द हिप्नोटाइज मीन। ओके, अगर हम बात करें पॉपुलेशन मीन लेसर देन द हिप्नोटाइज हाइपोथेसाइज मीन। ओके, एंड नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज चूजन बिफोर सैम्पल इज ड्रॉन, और ये दोनों तभी चूज कर लिए जाते हैं इससे पहले कि सैंपल निकाल लिया जाए। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन विच वन वॉन्ट्स टू प्रूव, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसे हम प्रूव करना चाहते हैं। ओके, फॉलोइंग कंसिडरेशन आर कैप्ट इन व्यू, अब कई सारे हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं यानी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होगा जब हम रिसर्च वगैरह करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। ओके, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।